हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय न्यू टॉपिक फ्रॉम प्लस टू सिलेबस एंड द नेम ऑफ माय टॉपिक इज लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड ओवरव्यू। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन विच आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग इम्यूनिटी इन अवर बॉडी। ओके, ठीक है। Now these lymphoid organs, they are the part of the lymphatic system and help in developing immunity in our body. Okay, so what is the meaning, what is the definition of the lymphoid organ? उसमें हम देखें तो lymphoid organ जो हैं, as the name indicate, they are related with the lymphocytes. They are related with the those cells of our immune system which are help in developing the adaptive immunity or acquired immunity, and that is also called a specific immunity. Okay, ठीक है। So lymphoid organs, they are those organs which are involved in origin, one point origin, ठीक है। Second point, that is maturation, and the third point is proliferation of lymphocytes, and the third point is proliferation of lymphocytes. ठीक है, lymphocytes, they are the type of the WBCs which are forming about 20-25% of the WBCs and help in developing adaptive immunity or acquired immunity, the immunity which is acquired during lifetime. ठीक है, which is not inborn, that is acquired during lifetime. Okay, ठीक है। तो यहां पे क्या है, डेफिनेशन पे हम जाएं तो क्या है कि एक तो हम ऑरिजिन की बात कर रहे हैं, ऑरिजिनेट होने के बाद जो भी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी मैच्योरेशन होती है। ठीक है, दे गेट मैच्योर्ड, दे आर अटेनिंग देयर सरफेस प्रोटीन मार्कर्स। ठीक है, मतलब दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर फाइटिंग विद द पैथोजेंस एंड द एंटीजेंस जो हमारी बॉडी में बाहर से एंटर कर जाते हैं। ठीक है, एंड फर्दर वो जो लिम्फोसाइट्स हैं वो आगे फर्दर डिवाइड भी करती हैं, प्रोलिफरेट भी करती हैं, और साथ में अपने इफेक्टर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो सके। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी वो रेसिस्टेंस डेवलप कर सके जिसकी वजह से हम पैथोजन के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं और उनके अगेंस्ट हम इम्यूनिटी डेवलप करवाते हैं ताकि हमें अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फर्दर डिजीज डेवलप ना कर पाए, कोई डिसऑर्डर डेवलप ना कर पाए। ओके बेटा, ठीक है। तो यहां पे हम देखें डेफिनेशन पे हम गए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, क्लियर। So, beta, when we talk about the types of the lymphoid organs, there are basically two types of the lymphoid organ. One is the primary lymphoid organs, second is the secondary lymphoid organs. Okay? So, there are two types of lymphoid organs. Okay? Clear? First one, that is the primary lymphoid organs, and second one is secondary lymphoid organs. ठीक है, primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. ठीक है, तो इन दोनों में हम definition wise differentiate करें। ठीक है, clear? तो what is the basic difference between primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs में हम देखें तो यहां primary lymphoid organs are those which are involved in the maturation of the lymphocytes. ठीक है, वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो कि हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने में हेल्प करते हैं ताकि वो एंटीजन स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर हो जाएं, एंटीजन सेंसिटिव बन जाएं। ठीक है, क्लियर। दैट इज द मीनिंग ऑफ मैच्योरेशन हियर, क्लियर। तो ये जो यहां पे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, दे आर इन्वॉल्व इन मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स इन अवर बॉडी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैच्योरेशन।
मैचुरेशन मीन्स कि जो भी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, सपोज दिस इज अ काइंड ऑफ लिम्फोसाइट, जैसे बी लिम्फोसाइट है, ठीक है, बी सेल लिख देते हैं हम यहाँ पे, बी सेल, क्लियर। तो इसके सरफेस पे क्या है, जैसे कि बी सेल रिसेप्टर का अटेन हो जाना, ठीक है, बी सेल रिसेप्टर का अटेन होना। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं टी लिम्फोसाइट की, तो टी सेल, जो टी सेल है उनके सरफेस पे क्या है, टी सेल रिसेप्टर का अटेन हो जाना, ठीक है। दैट मींस ये यहाँ पे जो सेल्स हैं वो अपने सरफेस पे वो सरफेस मार्कर प्रोटीन को अटेन कर लेते हैं इन दीज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ताकि वो एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर सके और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर सके, फॉलो, ओके, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैच्युरेशन, क्लियर। दैट मींस दे गेट ट्रेंड हियर, दे गेट ट्रेंड हियर, ठीक, आगे जाके उन्होंने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मैच्युरेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, दोस लिम्फोइड ऑर्गन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द मैच्युरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स, इन्वॉल्वड इन द मैच्युरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे हम देखें जो भी ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, इनमें हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम देखें इन द ह्यूमन बॉडी टू एग्जांपल्स आर देयर, वन इज द बोन मैरो, वन इज बोन मैरो, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज थाइमस ग्लैंड, सेकेंड वन इज थाइमस ग्लैंड, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं यहां पे हम इन केस ऑफ द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द इंटरेक्शन ऑफ द मैच्योर लिम्फोसाइट विद द पैथोजेंस और देयर एंटीजेंस एंड हेल्प इन डेवलपिंग इम्यूनिटी इन द बॉडी, हेल्प इन डेवलपिंग इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो दोज ऑर्गन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द इंटरेक्शन ऑफ मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स विद स्पेसिफिक पैथोजन और एंटीजन, ठीक है, पैथोजन्स और एंटीजन्स, एंड हेल्प इन डेवलपिंग इम्यूनिटी इन द बॉडी, हेल्प इन डेवलपिंग इम्यूनिटी इन द बॉडी और हेल्प इन डेवलपिंग इम्यून रिस्पॉन्स, एंड आफ्टर डेवलपिंग इम्यून रिस्पॉन्स देर इज प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज एंड दैट मीन्स इम्यूनिटी हैज डेवलप्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन और एंटीजन, ठीक है। अब इसके केस में हम एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल के तौर पर इन केस ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हम देखते हैं, हमारे पास आता है जैसे कि स्प्लीन है, ठीक है, स्प्लीन, देन अदर ऑर्गन्स जैसे कि लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स, देन और फर्दर हम देखें तो देयर आर एम ए एल टी, दैट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड लिम्फोइड टिश्यूज, ठीक है, क्लियर। तो इसमें ये सब आते हैं, क्लियर। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब क्लियर हो रहा है आपको, यहाँ पे दोज लिम्फोइड ऑर्गन विच आर इन्वॉल्व्ड इन द इंटरेक्शन ऑफ द मैच्योर लिम्फोसाइट विद द पैथोजेंस एंड देन हेल्प इन डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन इन द बॉडी। तो स्प्लीन आ गया हमारे पास, देन लिम्फ नोड्स आ गए, माल्ट आ गया, दैट इज एम ए एल टी, दैट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, ठीक है, ये सब आते हैं, क्लियर। अब थोड़ा हम इनको इलैबोरेट करते हैं, जो भी बोन मैरो है वहां पे कौन से लिम्फोसाइट मैच्योर हो रहे हैं, थाइमस में कौन से हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर अबाउट द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो इन केस ऑफ द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, में हम देखें, ठीक है, क्लियर। तो पहले सबसे पहले हमारे पास आता है बोन मैरो, ठीक है, तो बोन मैरो दैट इज द रेड बोन मैरो एक्चुअली द स्ट्रक्चर इन द बोन्स व्हिच इज एक्चुअली इन्वॉल्वड इन द दिस
फॉर्मिंग वेरियस काइंड ऑफ सेल्स ऑफ द ब्लड, चाहे वो आरबीसी हैं, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हैं, उन सभी को बनाने में इन्वॉल्व होती है. ठीक है, तो बोन मैरो जो है दैट इज एक्चुअली हैविंग द स्टेम सेल्स, हैविंग स्टेम सेल्स एंड इन्वॉल्व इन द ओरिजिन ऑफ ब्लड सेल्स. ठीक है, क्लियर. अलॉन्ग विद इट जो ब्लड सेल्स में हम देखते हैं कि वो वहां पे बी लिम्फोसाइट भी बनेंगे. ठीक है, क्लियर. और साथ में क्या है, जो इमैच्योर स्टेट में जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो भी बन रहे होते हैं. ठीक है, क्लियर. तो यहां पे क्या है, बी लिम्फोसाइट बन रहे हैं, लेकिन इमैच्योर स्टेट में क्या है, टी लिम्फोसाइट बनते हैं, जिनको हम इमैच्योर टी लिम्फोसाइट कहते हैं. क्लियर. तो यहां पे हम देखें एक्चुअल में दीज बोन मैरो, दिस बोन मैरो दैट इज इन्वॉल्वड इन द मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट. तो वहां से बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और साथ में आगे वो मैच्योर भी हो रहे हैं. ठीक है, क्लियर. दे आर इन्वॉल्वड इन द, दिस इज इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन, प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, क्लियर. तो बी लिम्फोसाइट को जो नाम पड़ा है ना, दैट इज द बी लिम्फोसाइट, या सिंपली बी सेल भी कह देते हैं. द बी मीन्स बोन मैरो. That is indicating the site of their maturation. That is indicating their site of maturation. And these B lymphocytes, upon activation, they show proliferation. ठीक है, clear? And they are responsible for the antibody mediated immunity. Responsible for the antibody mediated immunity. उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. बट ये जो इम्यूनिटी होती है ये डेवलप कहां पे होगी, इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, जब ये लिम्फोसाइट जो है दे गेट इंटरेक्टेड विद द पैथोजेंस और देयर एंटीजेंस. ठीक है, क्लियर. तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या है, AMI भी कहते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ह्यूमोरल इम्यूनिटी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ठीक है, क्लियर. तो ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड, एंड फ्लूइड दैट इज ब्लड प्लाज्मा इन विच दीज antibodies are present. ठीक है, and these antibodies they are interacting with the these antigens or the toxins and neutralize them or coagulate them. ठीक है, and these antigen antibody complexes they are engulfed by the macrophages and further they are disposed of. Okay beta, यहाँ पे तो यहाँ पे bone marrow जो है that is involved in the production and the maturation of the B lymphocyte. So B lymphocyte जो है, ठीक है, इनमें जो बी जो यहाँ पे हमने ये लेटर यूज किया है उसका मतलब बोन मैरो से होता है. ओके बेटा, अब आते हैं सेकंड जो हमने पढ़ा एग्जांपल इसका, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का, दैट इज थाइमस ग्लैंड. ठीक है, अब उसको देख लेते हैं. अब थाइमस ग्लैंड जो होती है बेटा, दैट ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन. ठीक है, क्लियर. तो सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इज थाइमस ग्लैंड. ठीक है, थाइमस ग्लैंड. ओके, थाइमस ग्लैंड जो होती है कहां प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन द दिस चेस्ट रीजन, जस्ट बीनीथ द स्टर्नम, जस्ट बीनीथ स्टर्नम नियर हार्ट, हार्ट के पास प्रेजेंट है स्टर्नम, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन. तो इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है चेस्ट रीजन में और हार्ट के पास प्रेजेंट होती है. क्लियर. तो दिस ग्लैंड, ये हो गया लोकेशन. दूसरा पॉइंट हम देखें, ये ग्लैंड होती है बाइलोब्ड ग्लैंड, बाइलोब्ड ग्लैंड प्रेजेंट होती है. ठीक है, क्लियर. इट इज वेल डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ द दिस एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, एंड एट ग्रोज अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड अप टू द प्यूबर्टी, दैट इज सेक्सुअल मैच्योरिटी. आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी थाइमस ग्लैंड शो रिग्रेशन. ठीक है, उसमें डीजनरेशन, उसमें एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो दिस ग्लैंड इट इज वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड इन चाइल्डहुड. हम ऐसे कह सकते हैं कि चाइल्डहुड में वो काफी वेल डेवलप्ड है. ठीक है, क्लियर. बट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मीन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये जो ग्लैंड है इट स्टार्ट रिग्रेशन, इट स्टार्ट शोइंग द एट्रोफी. दिस ग्लैंड शोज एट्रोफी. ठीक है, मतलब इसमें, इसके साइज में क्या है,
रिग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसका साइज रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो विद एजिंग हम देखते हैं ये ग्लैंड रिड्यूस होती है, अल्टीमेटली क्या है विद एजिंग ऑफ द पर्सन देयर इज रिडक्शन इन द इम्यूनिटी आफ्टर ए पर्टिकुलर एज। ओके, तो यहां पे हम देखें जो थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, कहां पे प्रेजेंट है, बाइलोट ग्लैंड है, वेल डेवलप्ड है इन केस ऑफ द चाइल्डहुड, ठीक है, एंड एट प्यूबर्टी ये जो है यहाँ पे रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद क्या है, इसका साइज जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके बेटा, अब यहाँ पर देखें थाइमस ग्लैंड जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर इम्यूनिटी, बिकॉज ये एक तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जहां पे क्या है हियर थाइमस जो ग्लैंड है यहां पे जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, क्लियर, ये मैच्योर होते हैं, गेट मैच्योर, ठीक है, थाइमस ग्लैंड में क्या है टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं। तो यहां पे टी लिम्फोसाइट को ये नाम पड़ा है, दिस टी मींस थाइमस, ठीक है, क्लियर। दैट्स व्हाई थाइमस ग्लैंड जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स, इट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहा गया है, ठीक है, क्लियर। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज द सुप्रीम पोजिशन इन द इम्यूनिटी। अगर इम्यून सिस्टम जो है अगर उसको वेल डेवलप्ड होना है तो इस ग्लैंड का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, इसके बिना क्या है इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, क्लियर, पर्सन रिमेन इम्यूनो डेफिशिएंट और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके बेटा, तो थाइमस ग्लैंड जो है इसको हम थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। एंड दिस थाइमस ग्लैंड एज मेंशन्ड इन योर दिस प्लस वन में जो आपका टॉपिक आता है एंडोक्राइन सिस्टम है, तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि ये पर्टिकुलर ग्लैंड है दैट इज आल्सो सीक्रेट सर्टन हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स हम देखें तो हॉर्मोन्स के केस में हम देखते हैं कि दिस पर्टिकुलर ग्लैंड दैट सीक्रेट थाइमोसिन, थाइमोसिन्स हॉर्मोन्स जो कि बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स दोनों के एक्टिविटी को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से क्या है कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है बिकॉज ऑफ द बी लिम्फोसाइट दोनों प्रमोट होती हैं। तो यहां पर हम देखें कि जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द CMI दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके क्लियर, तो ये हो गया यहाँ पे थाइमस ग्लैंड के बारे में। ओके, तो ये हो गया ह्यूमंस में, कि ह्यूमंस में क्या है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं। लेकिन एक बार कई बार क्या होता है क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि इन केस ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के केस में, इन बर्ड्स देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्गन दैट इज कॉल्ड क्लोइकल थाइमस, कॉल्ड एज क्लोइकल थाइमस, ठीक है, and that is actually called as bursa of Fabricius, bursa of Fabricius, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, क्लियर। तो दिस इज द sac like स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द cloaca, एक्चुअली में dorsal साइड ऑफ द cloaca वहां पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ द birds, एंड दैट इज involved इन द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, that is having the function related to the B lymphocytes in case of birds, वहाँ पे वो mature होती है और साथ में क्या है also help in developing the immunity against the pathogens, ठीक है, clear, that is in case of birds cloacal thymus or the bursa of Fabricius that is considered as the primary lymphoid organ, ठीक है, in which the B lymphocytes they get mature, ठीक है, clear। अब आते हैं हम यहाँ पे secondary lymphoid organ पे, उनको देख लेते हैं। इन दिस केस जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में जो हम ओवरव्यू देखते हैं क्या है कि पहला इसमें हमने एग्जांपल दिया था स्प्लीन। स्प्लीन जो होती है दैट इज एक्चुअली अ बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है, इट इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन, बीन शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है, clear, that is present toward the tip of the tail portion of the pancreas, वहां पे ये present होता है,
Clear? And this spleen, it is actually, it is the largest lymphoid organ in our body. It is the largest lymphoid organ in our body. ठीक है, क्लियर? एंड दिस स्प्लीन जो है, दिस इज एक्टिंग एज द फिल्टर वेयर द लिम्फोसाइट्स एंड द पैथोजेंस दे गेट फिल्टर्ड एंड दे शो इंटरेक्शंस एंड हेल्प इन डेवलपिंग द इम्यूनिटी, बिकॉज इट्स सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो दिस इज द मेजर साइट फॉर द इंटरेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट विद द पैथोजेंस, ताकि उन पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो सके. ठीक है, क्लियर? तो दिस स्प्लीन जो है, it is the largest lymphoid organ and it is involved in the developing immunity in the body. Along with it, हम देखें spleen जो है, इसके regarding एक और point आता है कि it is called as the graveyard of RBCs, called as graveyard of RBCs. ठीक है, and it is also called as the blood bank of the body. Blood bank of body भी कहा गया है. ठीक है, clear? तो दूसरा point है, graveyard of RBC क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो भी मैच्योर्ड, जो भी वॉर्न आउट आरबीसीज हैं, एजेड आरबीसीज हैं, वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज की जाती हैं और उनको फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनकी हीमोलाइसिस परफॉर्म की जाती है. सिमिलरली जो ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोला गया है, तो यहाँ पे क्या है, जो भी आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, यहाँ पे अक्यूमुलेट होते हैं. ठीक है, यहाँ पे वो स्टोर रहते हैं और वेन एवर देर इज एमरजेंसी, वेन एवर देर इज इंजरी और लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, तो ये यहाँ पे जो ऑर्गन है वो स्क्वीज होता है और यहाँ से वो जो भी स्टोर्ड आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है उनको ब्लड में रिलीज कर देता है इन केस ऑफ द एमरजेंसी. ठीक है, क्लियर? दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग स्प्लीन. इसके बाद हम देखें, आफ्टर स्प्लीन देर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द लिम्फोइड ऑर्गन, दैट इज हमारे पास आते हैं लिम्फ नोड्स. ठीक है, लिम्फ नोड्स हैं, तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, मेनली दे आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन. ठीक है, मेनली दे आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन, आर्म पिट्स में प्रेजेंट होते हैं, अलॉन्ग विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑल्सो कंसेंट्रेटेड इन द ग्रॉइन रीजन. ठीक है, बिटवीन द थाइज एंड द एब्डोमेन, यहां पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड लाइक दैट ऑफ द स्प्लीन, they are also act as immunological filters and help in concentrating the lymphocytes and the pathogens in themselves and help in the increasing the probability of the interaction of the lymphocyte with the pathogens, ताकि immunity develop हो सके, immune response develop हो सके. ठीक है, clear? तो ये हो गया यहाँ पे lymph nodes के बारे में. And lastly हम देखते हैं, हमने एक और point बताया था, that is MALT, it is mucosal associated lymphoid tissues. इसके बारे में एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और ऑर्गन, ठीक है, दैट इज इन्वॉल्व, दैट इज फॉर्मिंग द 50% अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द टोटल लिम्फॉइड टिश्यूज इन अवर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, दैट इज MALT. तो इट इज फॉर्मिंग अबाउट 50% ऑफ द टोटल लिम्फॉइड टिश्यूज इन अवर बॉडी. ओके, तो ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है. ठीक है, और साथ में एक बार नीट में भी इसको पूछा गया है. क्लियर? दैट इज, अब इसमें हम देखें, दैट इज द लिम्फोइड टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द मिकोसा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, इन द दिस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, या फिर हम कहें डाइजेस्टिव ट्रैक. ठीक है, एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक. ठीक है, वहां भी प्रेजेंट होते हैं. तो दिस इज प्रेजेंट इन द, दीज टिश्यूज प्रेजेंट इन द mucosa of respiratory tract, then digestive tract, ठीक है, and urogenital tract, ठीक है, ये इसमें आते हैं. क्लियर? और जब भी हम डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करते हैं, तो इसके केस में हम यहां पे बात कर लेते हैं, दैट इज गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, एक नाम आ जाता है GALT. ठीक है, क्लियर? तो यहां पे हम देखें डाइजेस्टिव ट्रैक के रिगार्डिंग आता है GALT, GALT. इसमें हम एक पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज टॉन्सिल्स के बारे में देखते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉन्सिल्स विच आर प्रेजेंट इन द थ्रोट रीजन. सिमिलरली हम बात करते हैं यहां पे पियर्स पैचेस, तो पियर्स पैचेस जो है, इनको हम क्या है, एब्डोमिनल टॉन्सिल भी कहते हैं, विच आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन.
ठीक है। एंड एक और हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, द मिकोसा ऑफ द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स दैट इज आल्सो हैविंग दीज लिम्फोइड टिश्यूज एंड हेल्प इन डेवलपिंग इम्यूनिटी। डाइजेस्टिव फंक्शंस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, जो कि बच्चों को कंफ्यूज भी कर देता है कि अगर ये काम कर रहा है तो इसको वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों बोला है। रिगार्डिंग डाइजेस्टिव फंक्शंस, ठीक है, दिस ऑर्गन अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इट इज रूडिमेंट्री, इट इज वेस्टिजियल इन केस ऑफ ह्यूमंस व्हेन वी कंपेयर विद द अदर मैमल्स, बट इन द मिकोसा ऑफ द अपेंडिक्स, जो कि स्मॉल साइज स्ट्रक्चर रहता है, एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, तो वहां पे उसमें क्या है, ये समवट दीज लिम्फोइड टिश्यूज आर प्रेजेंट, ठीक है, क्लियर, विच हेल्प इन डेवलपिंग इम्यूनिटी, ओके, ठीक है। तो रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज वेस्टिजियल व्हेन वी कंपेयर विद द अदर मैमल्स, बट जब तक ही वहां पे है तो वहां पे क्या है, ये इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अगर अपेंडिसाइटिस वगैरह जैसे हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो उसमें अगर हमें इसको रिमूव करना पड़ता है, सर्जिकली इसको रिमूव करना पड़ता है, तो उसको रिमूव कर देंगे तो ऐसा नहीं कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, बिकॉज वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर एंड दैट इज, उसको अगर रिमूव भी कर देते हैं तो इतना कोई इम्यूनिटी पे फर्क नहीं पड़ता है कि पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो जाएगी, ओके, ठीक है। बट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, यहाँ पे हम देखें डाइजेशन के रिगार्डिंग जो इसका फंक्शन है वो इट इज रूडिमेंट्री मानेंगे व्हेन वी कंपेयर विद अदर मैमल्स, ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, क्लियर। तो ये हो गए यहाँ पे हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ दीज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हमने क्या है आज जस्ट ओवरव्यू ऑफ द लिम्फोइड ऑर्गन किया है, और ये टॉपिक जो है आपके प्लस वन के सिलेबस में भी आता है, जब भी हम लिम्फैटिक सिस्टम पढ़ते हैं इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर आता है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, तो वहां पे भी हम इसको स्टडी करते हैं, और जब हम प्लस टू में जाते हैं थर्ड यूनिट में, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले टॉपिक में, तो वहां पे हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, और जब भी हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि यही वो लिम्फॉइड ऑर्गन है जहां पे हमारी जो लिम्फोसाइट्स हैं विच आर द पार्ट ऑफ द अडाप्टिव इम्यूनिटी और द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यहाँ पे मैच्योर होती है, और मैच्योर होने के बाद क्या है, दे आर वेल इक्विप्ड विद देयर सरफेस मार्कर प्रोटीन्स टू गेट इंटरेक्ट विद द पैथोजेंस और देयर एंटीजेंस, ताकि वो इम्यूनिटी डेवलप कर सकें हमारी बॉडी में उन पैथोजन के अगेंस्ट, कैंसर सेल के अगेंस्ट, या फिर जो अल्टर्ड सेल्स हैं, इन्फेक्टेड सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकें और रेसिस्टेंस या फिर इम्यूनिटी डेवलप कर सकें, ठीक है।